पेश खिदमत है जनाब सैदन हजरत फ़रूक रज़ी तन की सुनहरी और ताबनाक जिंदगी का पहला हिस्सा मेरे दिल में यह तमन्ना थी कि काश आज का मनोराहत का तलबगार मुसलमान फिक्री और अमली तौर पर इस्लाम से जुड़ जाए और अहद गुजशत से वास्ता हो जाए यूज़ पर भी कामयाबी और सरफराजी के दरवाज़े इसी तरह खुल जाए जिस तरह सहाबा कराम महदसिन आजम और मुजाहिदीन फी सबील्ह पर खुल गए थे इस सिलसिला में मेरी नज़र तरीक़ पर थी तारीख के गुब्बत से मुझे बार बार यकोई सुनाई देती थी कि रसालत मुआबलीसम के जहूर मुबारक से पहले हर तरफ ईरानियों रूमियों और मसलियों की तहजीब व तरक्की के सिक्के चल रहे थे इनके मुकाबले में जजीरा नुमाए अरब के बाद नशी बेहद ख्वार पसमानदा कलाश थे उन्हें को काबिल नहीं समझता था लेकिन जो ही इन नाश नाय तहजीब बदबू ने कुफर श्रक की जिंदगी तरक्की और सलाम कबूल करके अति अल्लाहती और रसूल के मंशूर को अपने फिक्र अमल का महवूर बनाया इनके लिए हर तरफ गलबे और कामयाबी के राहें खुल गई साहबा कराम की ज़िंदगी का आप तक पहुँचाने का यही है कि हम भी इनकी तर्ज अमल पर ज़िंदगी बसर करें ताकि हम पर भी कामयाबी की राहें खोल जाए बेश खिदमत है हज़रत सैदनाजरतम फरूक रजी सरम की ज़िंदगी का पहला हिस्सा नबी करीम सल्ला वसम फरमाए फर्म जिस रास्ते पर उम्र चलते हैं शैतान उस रास्ते से हट जाता है सही बखारी मुसलमानों के दूसरे खलीफा अमीर अलमोमिन उमर बिन खत्ताब रजी हो तनहो क्रैश की एक शाख अद्दी से ताल्लक रखते थे आमलफील के तेरह साल बाद मक्का मुकरमों में पैदा हुए वालदा का नाम खनता बिन तिहाशम मखसूमिया था इनकी रंगत गोरी थी कद लम्बा था शहीम आदमी थे दौड़ते घोड़े पर अचानक उचक कर बैठ जाया करते थे जबाना जाहलीत में आकाश के मेले में दंगल में कुश्ती भी लड़ा करते थे नहाय ताकतवर थे एक मरतबा लोगों ने इनकी ताकत की आशमाइश का फैसला किया इस मकसद के लिए उन्होंने चमड़े को गीला करके इनके पाँव के नीचे रख दिया अब सात आदमियों ने मिलकर हजरत उम्र फ़रूक रजील के पाँव तले से चमड़ा खींचना शुरू किया चमड़ा नीचे से फट गया लेकिन सैद उमर फ़रूक रजिलान के पाँव के नीचे से बाहर नहीं निकल सका इतने लंबे थे अगर लोगों के मजमा में बैठे होते तो ऐसा महसूस होता कि आप खड़े हैं इसी तरह अगर लोग सवारी पर और पैद, आप पैदल चलते होते तब भी आप सवारों से ऊंचे ही नजर आते थे आप इंतहाई बहादुर से अरब के नहाय समझदार और जहीन लोगों में इनका शुमार होता था अगर किसी जगह सिफारश भिजवानी होती तो इन ही को भेजा जाता था क्रैश की तरह वो भी ताजर पेशा थे और शाम के इलाके में बगैर तजारत जाया करते थे इनके वालद बड़े सख्त मजाज थे आप बचपन में ऊँच बिच रहा करते थे एक दिन सदना उम्र फरूक रजील्लाह के एक साथी ने आपसे कहा उमर इस्लाम लाने से पहले मैंने आपसे पूछा था कि आपके सबसे बड़ी आरजू क्या है तो आपने कहा था कि मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश यह है कि मेरे पास सौ ऊँटों का रेवड़ हो जाए मैं इनको चराऊं, ऊंटियों का दूध पीऊँ इनके ऊन से खेमे बनाऊँ और आराम की ज़िंदगी गुजारूँ आज आप मुसलमानों के खलीफा हैं अमीरमिन हैं आज आपकी सबसे बड़ी तमन्ना क्या है अरशाद फरमाया आज मेरी सबसे बड़ी आरतू ये है कि कायनात का कोई हिस्सा ऐसा बाकी ना रहे जहाँ सैद ना मोहम्मद सल्ला वल् का परचम ना लहरा रहा हो और दुनिया में कोई एक ऐसी जगह बाकी ना रहे जहां आपका दीन न पहुंच जाए सदना उम्र फरूक रजील्ल्ला बड़े मतवाज़े और बहुत कम हंसने वाले थे वो अपनी तंद मजाजी और सख्त गोई के लिए मशहूर थे सदना उम्र रजील्ला तन की अंगूठी पर कफ़ा बिलमो तवाजन या उमर के अल्फाज मुनाक्श थे आपका शुमार अशरम बशरा में होता है आपको मतदद मौक़ों पर अल्लाह के रसूल करीम सल्ला वसल्लम ने जन्नत की बिशारत सुनाई रसूल अल्लाह व्लम का अरशाद मुबारक है अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर बिन खताब होता जब अल्लाह के रसूल सल्ला व्ल्लम ने नबूत का दावा किया तो लोगों ने इस्लाम की शदीद मुखालफत की इनमें उम्र भी शामिल थे वह मुसलमानों और अल्लाह के रसूल सल असल्लम के सख्त दुश्मन थे अगर किसी के बारे में खबर मिलती कि वह मुसलमान हो गया है तो इसे खूब मारते इनके कबीले बनवादी की एक लौंडी मुसलमान हो गई इसे इस कदर मारते थे कि मारते मारते थक जाते और लौंडी से कहते मैंने तुझे मरबत की वजह से नहीं छोड़ा बल्कि सिर्फ थक जाने की वजह से छोड़ा है मुसलमानों ने तवील अरसे तक इनके हाथों तरह तरह की सख्तियाँ जीलें वह अबाओदाद की आजाद करदास्मों का बड़ा अहतराम करते थे बला नोशी और लबोलाज के दिलदादा थे बाजूकात इनका दिल नरम भी पड़ जाता था इनकी कफीयत दम में माशा दम में तोला किसी थी कभी बड़के और अभी डीले पड़ गए इनके सलाम लाने का वाक्य बड़ा मशहूर है एक दिन उन्होंने अपनी तलवार ली और मज़ अल्लाह अल्लाह के रसूल करीम सल वसल्लम का खात्मा करने की नीयत से चल पड़े अभी रास्ते ही में थे कि इनकी मुलाकात वनवादी बिन या वन जहरा के एक शख्स से हो गई सीरत नगारों ने इनका नाए, नाम नाइम बिन अद, अब्दुल्ला अदवी लिखा है इसने उमर के तेवर देख कर पूछा कि उम्र के दर का अरादा है जवाब दिया मोहम्मद वसल्लम की तरफ जा रहा हूँ वो क्रैश के मबूदों को बुरा भला कहता है आज मैं इसका खात्मा करने का अरदा रखता हूँ इसने कहा मोहम्मद सल्लम को कत्ल करके तुम बनो हाशम और बनो जहरा से कैसे बच सकोगे उमर ने कहा लगता है तुम भी अपना पिछला दीन छोड़कर बेदीन हो चुके हो ऐसे कहा उमर मैं तुम्हें एक ताजब अंगेज बात न बताऊं तुम्हारे बहनोई सईद और बहन फातमा भी अपने आबाजाद के दिन को छोड़ दिया है उमर ये सुनकर गुस्से से बेकाबू हो गए अब इनका रुख अपनी बहन के घर की तरफ हो गया उन्होंने दरवाजे पर बड़ी जोर की दस्तक दी अंदर से आवाज कौन है उन्होंने गुस्से से जवाब दिया इबन खताब घर के अंदर बहनोई और बहन सैद नाखा बिन अर्थ रज्ला तलाहु से कुरान पढ़ रहे थे उमर की आवाज़ सुनी तो खबाब रजिलान घर के अंदर छुप गए बहन ने उठ कर दरवाज़ा खोला उमर ने सख्त गुस्से के आलम में कहा अपनी जान के दुश्मन मैंने सुना है कि तुम साबी बन गई हो उमर कुरान की तलावत की धीमी अधीमी आवाज़ सुन चुके थे पूछा ये आवाज़ कैसी थी जो मैंने घर के बाहर सुनी उन्होंने कहा खास बात नहीं बस आपस में बातें कर रहे थे कहने लगे मुझे मालूम होता है कि तुम दोनों बेदीन हो चुके हो बहनोई सईद ने कहा उमर ये बताओ अगर हक तुम्हारे दीन के बजाय किसी और दीन में हो तो फिर बस इन अल्फाज का सुनना था कि आओ देखा न आओ जट बहनोई को मारना शुरू कर दिया बहन आगे बढ़ी इसने आप अपने खामद को छुड़ाने की कोशिश की तो इसे भी थप्पड़ मार दिया उसका चेहरा खून आलूद हो गया इब्ने हसाक के मुताबिक सर में चोट आई बहन ने रोते हुए कहा इब्ने खताब जो भी जी चाहे कर लो मैं मुसलमान हो गई हूं हाँ हाँ मैं मैंने सलाम कबूल कर लिया है फिर अपने खामुद वाले अल्फाज दोहराते हुए कहा अगर तुम्हारे दिन के बजाय दूसरा दिन ही बरहक हो तो फिर हाँ मैं कहती हूँ अशद मोहम्मद मोहम्मद और कितने पकीजा हैं ये कलमात इनके अंदर कितनी ज़बरदस्त कशिश और कितनी कु्वत है रोती ही बहन जिसके चेहरे से खून बह रहा था वो किसी अज़म कैसे वलवले कैसे हौसले और कितने यकीन के साथ कलमा हक कलमा तयबा पढ़ रही थी बहन की ये जरूरत तो सलाबत देख कर यका यक बाई का दिल विसज गया सारा गमों गुस्सा मान पड़ गया बहन के खून आलू चेहरे पर नजर पड़ी तो शर्म महसूस हुई अब वो बैठ गए कहने लगे अच्छा ये किताब जो तुम्हारे पास है ज़रा मुझे भी पढ़ने के लिए दो बाकी अगले हिस्से में पेश करेंगे आपको अगर हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें और सबा कर की ज़िंदगी को दूसरों तक पहुँचाएँ ताकि अल्लाह सबको अजरे अजीम अता फरमाए Okay.